नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में गैर को लेकर तैयारी पूरी, गैर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विदेशी मेहमानों के लिए खास व्यवस्था, गैर के दौरान नोडल अधिकारी रहेंगे तैनात। भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 8वां दिन, शुक्रवार होने के चलते जल्दी पहुंची एसआई टीम। हिंदू मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में हो रहा सर्वे, 7वें दिन करीब 9 घंटे अंदर और बाहर हुआ सर्वे। छतरपुर से खबर, कांग्रेस को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस के कदावर नेता मुन्ना राजा भाजपा में शामिल, सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने किया स्वागत। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में दिखा मगरमच्छ, घाटों पर सन्नाटा पसरा। वन विभाग कर रहा सर्चिंग, लोगों से घाट किनारे न जाने की अपील। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आपको बता दें कि इंदौर से आ रही है, जहां गैर को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। गैर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विदेशी मेहमानों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, गैर के दौरान नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। दूसरी खबर धार से है, जहां पर भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 8वां दिन है, शुक्रवार होने के चलते जल्दी पहुंची एसआई टीम। हिंदू मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है, 7वें दिन करीब 9 घंटे अंदर और बाहर सर्वे हुआ। तीसरी खबर है छतरपुर से, जहां कांग्रेस को एक और झटका लगा है, पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस के कदावर नेता मुन्ना राजा भाजपा में शामिल हो गए हैं, सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने स्वागत किया है। चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से, जहां नर्मदा नदी में दिखा मगरमच्छ, घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं वन विभाग सर्चिंग कर रहा है, लोगों से घाट किनारे ना जाने की अपील की गई है। सबसे पहली खबर है इंदौर से, जहां इंदौर में कल रंगपंचमी के अवसर पर रंगारंग गैर निकाली जाएगी। गैर में लाखों लोग मौजूद रहेंगे। वहीं गैर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। गैर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार गैर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, गैर को लेकर क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई है? अशरफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बता दें कि इंदौर में कल रंगपंचमी के अवसर पर रंगारंग गैर निकाली जाएगी। गैर में लाखों लोग मौजूद रहेंगे। वहीं गैर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। गैर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार गैर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर में वर्षों पुरानी रंगपंचमी की गैर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जिस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, गैर को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? अशरफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि कल इंदौर में रंगपंचमी में गैर निकाली जाती है, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है।
गैर को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग इंदौर पहुंचते हैं। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी गैर का हिस्सा बनने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा इस बार कुछ खास तैयारियां की गई है। गैर मार्ग में कुछ मकानों को चिन्हित किया गया है जहाँ से पर्यटक और विदेशी मेहमान बैठ कर गैर देख सकेंगे। गैर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गैर में शामिल होकर सभी का उत्साह बढ़ाएंगे। राजवाड़ा पर गैर मार्ग की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही गैर यात्रा के साथ एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, गैर को लेकर क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है? बिल्कुल रितिका, कहीं ना कहीं इंदौर में जो रंग पंचमी पर गैर निकलती है उसको लेकर न केवल इंदौर में बल्कि पूरे देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इंदौर ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इस रंगारंग पंचमी पर जो गैर निकाली जाती है उसमें शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास वजह यह है कि विदेश से भी बड़ी संख्या में मेहमान जो है इस रंगारंग गैर में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंच रहे हैं। उनके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई। वहीं अगर गैर मार्ग की बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाओं को पिछले काफी दिनों से जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है कि हर वर्ष की तरह, क्योंकि ये एक प्राचीन गौरवशाली परंपरा है और इस भव्यता के साथ ही इस बार भी गौरवशाली परंपरा कायम रहे, इसी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। न केवल जिला प्रशासन बल्कि नगर निगम और सभी विभागों के द्वारा जो रंगारंग गैर निकाली जाती है उसको लेकर व्यवस्थाएं जुटाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस गैर में शामिल होने के लिए कल इंदौर पहुंचेंगे, तो इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जुटाई गई है। जो भी गैर मार्ग में बाधक मकान थे या बिजली के तार थे उनको व्यवस्थित करवाया गया ताकि गैर मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। अगर गैर की अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में इस गैर में जो है लोग शामिल होते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर की पहचान जो है इस रंग पंचमी पर गैर निकाली जाती है उससे होने लगी है। तो इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई, तो लगातार जो है आला अधिकारी यात्रा मार्ग का दौरा कर रहे हैं। आज भी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्ग पर दौरा किया गया और किसी भी तरह की परेशानी ना आए या ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए लगातार जिला प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि गैर में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है, और इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 75 वर्ष इस गैर को हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अमृतकाल मनाया जा रहा है। इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये संभावना जताई जा रही है कि जित पिछले काफी वर्षों से जो यात्रा निकाली जा रही है इस बार का उत्साह और उमंग जो है पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा देखने को मिलता है। रितिका जी, अशरफ, वहीं गैर में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल रितिका, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी इस गैर में शामिल होने का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कल इंदौर पहुंचेंगे और गैर में शामिल होंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वे इस पूरे गैर में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के खासे बंदोबस्त किए गए हैं। हर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं गैर मार्ग पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पर भी जो है सुरक्षा के अधिकारी रहेंगे और इस पूरी यात्रा पर निगरानी रखेंगे। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस गैर में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे, तो ऐसे में लोगों में तो उत्साह ही, साथ में जो जनप्रतिनिधि है राजनीतिक दल है उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो है लोगों का उत्साह भी दोगुना नजर आ रहा है और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में इस गैर में शामिल होकर इस यात्रा में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं गैर में जिस तरह के उत्साह की संभावना जताई जा रही है वो उत्साह कल दोगुना देखने को यहाँ पर मिलेगा। रितिका जी, अशरफ, जैसा कि आपने बताया था कि विदेशी मेहमानों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, तो क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है विदेशी मेहमानों के लिए? जी बिल्कुल रितिका, अगर पहले के सालों की तुलना की जाए तो जैसा कि अमूमन हर साल जो है विदेशी मेहमान गैर में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचते, लेकिन इस बार जो है जिला प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था विदेशी मेहमानों के लिए यह की गई है कि
जो भी यात्रा मार्ग में जिला प्रशासन ने कुछ मकानों को चिन्हित किया है और इन मकानों पर एक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है और निःशुल्क यहाँ पर इन बुकिंग के माध्यम से विदेशी मेहमान इन चिन्हित जो मकान है उनके माध्यम से गिर में शामिल हो पाएंगे। उनकी बालकनी और घर के बाहर जो बालकनी होती है वहां पर बैठकर वे पूरी गिर का आनंद ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं विदेशी मेहमानों के लिए यहाँ पर खास व्यवस्था की गई, उनकी सुरक्षा को लेकर भी खास प्रबंध किए गए। और जिस तरह से ये एक नया नवाचार जो है इंदौर में देखने को मिला है कि चिन्हित मकानों पर ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जो है विदेशी मेहमान इस यात्रा में शामिल हो सकेंगे। और प्रशासन द्वारा लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से विदेशों में भी इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहां पर घर की बालकनी के जरिए जो है लोग शामिल होते हैं और घर की बालकनी के जरिए जो है लोग उस आयोजन में शिरकत फरमाते हैं। तो इंदौर में भी इस मामले को लेकर नवाचार किया गया और यदि ये सफल होता है तो आने वाले समय में भव्य पैमाने पर इसे करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि 130 जगह जो उन्होंने चिन्हित की गई थी उस पर जो है ऐप के माध्यम से बुकिंग हो चुकी है और 130 मकानों के जरिए जो है बाहर के लोग या विदेश से आए लोग जो है वहां पर घर के बाहर बैठकर या बालकनी में बैठकर जो है गेर में शामिल होंगे और गेर का आनंद उठा सकेंगे। तो ऐसे में एक नवाचार के माध्यम से इंदौर की जो ख्याति बढ़ाने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो है 130 जो जगह चिन्हित की गई थी उस चिन्हित जगह को ऑनलाइन के माध्यम से बुक कर लिया गया। और जिला प्रशासन यही अपील कर रहा है कि इंदौर शहर की जो पहचान न केवल देश में बल्कि विदेशों में है उसी पहचान को आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरह से विदेशों में भी इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर जो निजी मकान होते हैं उनका उपयोग भी जो है वहाँ के शहर की पहचान को बढ़ाने में किया जाता है। तो इसमें इंदौर में भी इस तरह का नवाचार किया गया है और अगर ये सफल होता है तो आगामी वर्षों में जो है इसको भव्य पैमाने पर करने की बात भी यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। दीपिका जी अशरफ वहीं गैर के दौरान नोडल अधिकारी भी तैनात रहेंगे, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर खासे बंदोबस्त किए गए, जगह जगह नोडल अधिकारी जो है गैर में शामिल होंगे। यात्रा में जितने भी जो है जगह जगह जो चौराहे हैं वहां पर भी सुरक्षा के खास व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी लगातार मार्ग पर जो है निगरानी बरतने की कोशिश कर रहा है। जो हाईराइज बिल्डिंग है उसके ऊपर भी जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के जरिए जो है पूरी यात्रा मार्ग पर निगरानी की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने पिछले दिनों जो बैठक ली थी उसमें भी साफ तरह से निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई हुड़दंग करता है या अगर कोई हथियार लेकर गैर में शामिल होता है तो उसके खिलाफ न केवल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि रासुका तक की कार्रवाई करने की बात जो है यहाँ पर जिला प्रशासन कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हुड़दंगियों को भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि अगर वे गैर मार्ग में अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाते हैं या उड़दंग करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने भी शहर वासियों से यही अपील की है कि जिस तरह से इंदौर शहर की पहचान है कि सभी त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है उसी तरह का माहौल यहाँ पर भी रंगारंग गेर में देखने को मिले, इसी तरह की अपील यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा भी की गई। साथ ही उड़दंगियों को भी जिला प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि वे अगर यात्रा में किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं करने की कोशिश करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृतिका, इस पर आम लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, मतलब उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल रितिका, जैसा कि अमूमन इंदौर शहर की पहचान है यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इंदौर शहर की जनता उत्सव प्रेमी जनता है और इंदौर शहर की पहचान यही है कि यहाँ पे सभी त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, बड़ी आत्मीयता के साथ मनाया जाता है। तो जिस तरह से इंदौर वासी किसी भी त्योहार को मनाते हैं और जिस तरह से रंग पंचमी की अगर गेर की बात की जाए तो पिछले सालों में भी हमने नोटिस किया है कि जिस तरह से यहाँ पर उत्साह देखने को मिलता है और किसी भी काम को करने के लिए प्रशासन और पुलिस को शहर की जनता का सहयोग मिलता रहा है और इस बार भी जनता का सहयोग जो है प्रशासन और पुलिस को मिलेगा ऐसी संभावना भी है, क्योंकि इंदौर शहर की जनता त्योहार को अच्छे से मनाती है, हर्षोल्लास के साथ मनाती है और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि जब भी कोई नवाचार किया जाता है या जब भी कोई प्रयास किया जाता है तो शहर की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से कल का प्रोग्राम तय हुआ और लाखों की संख्या में जो है गेर में लोग शामिल होंगे, बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ यहाँ पर रंग पंचमी की गेर निकाली जाएगी। रितिका जी अशरफ सीएम डॉक्टर मोहन के साथ ही और कौन से नेता गैर में शामिल होंगे? बिल्कुल, मोहन यादव जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है कि वे कल जो है दोपहर में यहाँ पर गैर में शामिल होंगे। यहाँ पर
जो नरसिंह बाजार स्थित मंदिर है वहां से जो गेंद निकाली जाती है वहां पर आरती में शामिल होंगे। इसके बाद वे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पूरी यात्रा मार्ग में साथ में चलेंगे और यात्रा मार्ग में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साहवर्धन भी करेंगे, लोगों की हौसला अफजाई भी करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कई बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है वे भी इस यात्रा में शामिल होंगे और जिस तरह से गेर को लेकर पूरे शहर भर में माहौल देखने को देखा जा रहा है उसको लेकर भी पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में न केवल आम नागरिक बल्कि राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस यात्रा मार्ग में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंच रही है। कृतिका जी अशरफ, तो आपको बता दें कि एक खबर थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में कल रंगपंचमी के अवसर पर रंगारंग गैर निकाली जाएगी। गैर में लाखों लोग मौजूद रहेंगे, वहीं गैर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। गैर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार गैर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर में वर्ष पुरानी रंगपंचमी की गैर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गैर को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग इंदौर पहुंचते हैं, वहीं बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी गैर का हिस्सा बनने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा इस बार कुछ खास तैयारियां की गई है। गैर मार्ग में कुछ मकानों को चिन्हित किया गया है जहां से पर्यटक और विदेशी मेहमान बैठकर गैर देख सकेंगे। गैर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गैर में शामिल होकर सभी का उत्साह बढ़ाएंगे। राजवाड़ा पर गैर मार्ग की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही गैर यात्रा के साथ एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। दूसरी खबर आ रही है धार से, जहां आपको बता दें कि धार जिला मुख्यालय पर स्थित भोजशाला में सर्वे का आज 8वां दिन है। एसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ आज सुबह 6 बजे पर भोजशाला परिसर में पहुंची, जहां आज दोपहर तक सर्वे किया जाना है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को भी टीम ने सुबह जल्दी पहुंचकर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया था। विभाग के आदेश पर शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। इस लिहाज से संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीम दोपहर 1 बजे टीम भोजशाला परिसर से बाहर आ जाएगी। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 सदस्यों की टीम द्वारा प्रतिदिन लगातार 8 से 9 घंटे तक विभिन्न आधुनिक तकनीकी जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ धार से प्रवीण उज्जैनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 8वां दिन था, क्या कुछ अपडेट सामने आई है इसे लेकर? जी रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 8 दिन से हाई कोर्ट के आदेश पर जो विभाग की टीम है वो वैज्ञानिक सर्वे का कार्य में चल लगी हुई है और अब लगातार 8 से 9 घंटे तक प्रतिदिन ये सर्वे का कार्य कर रहा है किया जा रहा है। और इस बीच में जो सर्वे में शामिल याचिकाकर्ता आशीष गोयल और भोजसा समिति के गोपाल शर्मा जो है वह लगातार मीडिया से चर्चा करते और मीडिया में प्रतिदिन वे इस सर्वे के दौरान जो किए गए गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भोजशाला में पिछले 8 दिन से जो सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे के अंतर्गत भोजशाला परिसर में जो दीवारों पर अंकित चित्र है, दीवारों पर देवी चित्र है, भोजशाला की मैपिंग की गई है, भोजशाला में कार्बन डेटिंग का कार्य किया गया, ऐसे कई कार्य किए गए जो इस सर्वे के दौरान शामिल है। जी प्रवीण, वही 7वें दिन करीब 9 घंटे अंदर और बाहर सर्वे हुआ है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है अभी तक? जी रितिका, मैं बताना चाहूंगा की भोजशाला में की जो टीम है, सर्वे की जो टीम है वो टीम लगातार सर्वे का कार्य कर रही है और कल पिछले 2 दिनों से भोजशाला के पिछले हिस्से में खुदाई का काम चल रहा है। उस खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं, मिट्टी मिल रही है, उस मिट्टी को एकत्रित कर उसकी विभागीय जांच की जा रही है और विभागीय जांच के दौरान ये तथ्य सामने आएंगे कि भोजशाला का निर्माण कितने वर्षों पूर्व किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के द्वारा 1034 ईस्वी में इस भोजशाला का निर्माण किया था। उस समय से ही ये जो भोजशाला का निर्माण है और कब तक ये निर्माण हुआ और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये सब सर्वे किया जा रहा है। जी प्रवीण, वही आज शुक्रवार होने के चलते एसआई टीम जल्दी सर्वे के लिए पहुंची थी, तो अभी क्या कुछ जानकारी है? अभी सर्वे हो चुका है शुक्रवार को?
जी रितिका, मैं बताना चाहूंगा एएसआई की टीम जो थी आज सुबह 6 बजे के लगभग भोजशाला परिसर में पहुंच चुकी थी और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था और दोपहर में 12:30 बजे के लगभग वे अपने कार्य सर्वे का कार्य निपटा कर बाहर जा चुके थे और इस दौरान दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजशाला में जुम्मे की नमाज मुस्लिम समाज द्वारा अदा की गई। इस नमाज के दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम रोशनी पाटीदार, टीआई समीर पाटीदार समेत ऐसे समय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे और पुलिस का पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध के मोबाइल तक अंदर नहीं ले जाने दिए जा रहे थे। जी प्रवीण, ये रिपोर्ट 6 सप्ताह में हाईकोर्ट के सामने पेश करनी है तो ये सर्वे कब तक जारी रहेगा? जी रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो 6 सप्ताह में हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना है और हो सकता है एएसआई की जो टीम है सर्वे के दौरान यदि समय लगता है तो वो समय की बढ़ाने की भी मांग कर सकते हैं, लेकिन लगातार पिछले 8-9 घंटे से जो सर्वे किया जा रहा है वो कार्बन डेटिंग का काम किया जा रहा है, खुदाई का काम किया जा रहा है, बारीकी तकनीकी के आधार पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है तो यदि बताना काफी मुश्किल होगा कि सर्वे कितने दिन चलेगा, कितना समय ले सकता है, लेकिन 6 सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट पेश करना है और जो ये रिपोर्ट पेश होगी इससे कहीं ना कहीं भोजशाला के गर्भ में छुपे इतिहास कहीं ना कहीं सामने आएगा। जी, याचिकाकर्ता आशीष गोयल का क्या कुछ कहना है? जी, आज सुबह हमने आशीष गोयल से, इस याचिकाकर्ता आशीष गोयल जी से हमने जब इस संबंध में बात करी थी तो वो काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। पिछले 8 दिनों से सर्वे के दौरान जो टीम जो कार्य कर रही है काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनका कहना था कि अंतिम सत्य विजय की होगी और इस आधार पर भोजशाला में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी। भोजशाला में हिंदू समाज को पूजन और अर्चन करने का, आरती पूजा करने का 24 घंटे 365 दिन अधिकार मिलेगा। ये इस बात को लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। जी प्रवीण, वही हिंदू मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है तो उनका क्या कुछ कहना है? जी मैं बताना चाहूंगा की कल मुस्लिम पक्षकार के अब्दुल समद ने राजा भोज के अस्तित्व को लेकर भी काफी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और उन्होंने इस सर्वे के दौरान जो प्रथम दिन का सर्वे था उसको निरस्त करने की मांग की। लगातार इस सर्वे के एक तरफ तो सर्वे का समर्थन करते हैं, एक दूसरी तरफ उन पे आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। क्या कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए उन्होंने? जी मैं बताना चाहूंगा कि अब्दुल समद मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद जो थे उनका कहना था कि यदि राजा भोज ने माँ सरस्वती का मंदिर यदि बनवाया, भोजशाला बनवाई थी तो उनका किला कहाँ था। इस तरह के विवादास्पद बयान देके कहीं ना कहीं वो इस सर्वे की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जब उनका ये बयान आया था तो उसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान गोपाल शर्मा ने कहा था कि ये जो कमाल मौलाना मस्जिद है ये कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय के कमाल बाबा का समाधि थी और यहाँ पे शिवलिंग स्थापित था और यदि भोजशाला के साथ साथ कमाल मौलाना जो दरगाह है उसका भी यदि सर्वे किया जाए तो ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जी प्रवीण, तो आपको बता दें कि खबर थी धार से, जहां पर धार जिला मुख्यालय पर स्थित भोजशाला में सर्वे का आज 8वां दिन है। एसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ ही आज सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची, जहां आज दोपहर तक सर्वे किया जाना है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को भी टीम ने सुबह जल्दी पहुंचकर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया था। विभाग के आदेश पर शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इस लिहाज से संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीम दोपहर 1 बजे टीम भोजशाला परिसर से बाहर आ जाएगी, क्योंकि पिछले शुक्रवार भी नमाज के पूर्व टीम बाहर आ गई थी। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 सदस्यों की टीम द्वारा प्रतिदिन लगातार 8 से 9 घंटे तक विभिन्न आधुनिक तकनीकी संसाधनों की सहायता से भोजशाला के गर्भ में छुपे इतिहास को खंगालने का कार्य कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 6 सप्ताह में हाईकोर्ट के सामने पेश करनी है। तीसरी खबर आ रही है छतरपुर से। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता मुन्ना राजुआ ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया है। बता दें कि छतरपुर के विस्तारी में बुंदेली उत्सव में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता शंकर प्रताप सिंह बुंदेला उर्फ मुन्ना राजा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है।
जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपको बता दें रिचका जी कि ये शंकर प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना राजा कद्दावर नेता है, ये हमारे बुंदेलखंड अंचल के लगभग 40 सालों से राजनीति में सक्रिय है और सैकड़ों समर्थकों के साथ डॉक्टर मोहन यादव और विष्णु दत्त शर्मा जी के सामने कल जो है उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। निश्चित ही भाजपा को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र में, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल आगे आ ही गए हैं, उसमें उन्हें बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली है। लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक जो शंकर प्रताप सिंह मुंडेला है, ये लगभग 40 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और इनके पुत्र भी राजनगर में सक्रिय रहे हैं, यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, जनपद पूर्व जनपद अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित ही भाजपा को यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। जी जी, कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वहीं राजा भाजपा भी नेता मुन्ना राजा भाजपा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वरिष्ठ नेताओं की? कांग्रेस की नेताओं की तरफ से सिर्फ यही प्रतिक्रिया आ रही है कि भाई जिसको जहाँ रहना है वो जाए और जिसको जहाँ रहना है वो रहे, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। बोले कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये जो है सेल्फिश लोग हैं जो आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जबकि उनका कहना ये है कि जब पूर्व विधायक शंकर प्रताप जी से बात की गई कि आप जो है कांग्रेस का दामन अभी क्यों छोड़ रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि हम जो भगवान राम का नहीं वो हमारा कैसे होगा। उन्होंने ये शब्द कहकर जो है अपना भाजपा में जाने का विचार बनाया। जी जी, तो उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तो? जी, उनका कहना यही है कि हम जो है भाजपा में जा रहे हैं, यानी कि सुपुत्र जी से बात की गई है सिद्धार्थ शंकर बंदेला जी से, उनका कहना ये था कि हमारे जो लोग हैं उनका काम नहीं हो पाता है और अगर हमें उनका कुछ काम करना है तो हमें अपने कांग्रेसियों से ही लड़ना पड़ता है, इसलिए उनके विकास के लिए उनके काम को अग्रसर कर सके, क्योंकि हम लोग जन सेवक है इसलिए हम जो है भाजपा पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। जी, उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है, वहीं बीजेपी का कुंबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में इस पर आपका क्या कुछ कहना है? निश्चित सी बात है, क्योंकि जो यहाँ से पहले सांसद रहे हैं विष्णु दत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भी है वो मध्य प्रदेश के, तो उनका और बहुत बड़ी जीत अर्जित उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी और इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना अपने आप में एक बीजेपी को स्ट्रांगता प्रदान करना है और वहाँ निश्चित ही उनका पल्ला भारी दिख रहा है यहाँ लोकसभा चुनाव में, और सैकड़ों कार्यकर्ता जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और जो बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं बड़े बड़े कद्दावर नेता, उनका कहना ये है कि आने वाले समय में लोकसभा में जैसे 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 हम लोग जहां जाएंगे तो और भी लोग भाजपा में शामिल होंगे। जी जी विकास, वहीं बीजेपी लगातार 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उनका फोकस 10 सीटों पर है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जैसे जैसे भाजपा का कुंबा बढ़ रहा है और कांग्रेस ही हो चाहे सपा हो चाहे भाजपाई हो, जैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उनसे जायज होता है, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है, अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा का कुंबा बढ़ रहा है और भाजपा में बहुत सारे कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं, जैसे की हमारे बुंदेलखंड अंचल में ये शंकर प्रताप सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है जो 40 सालों से राजनीति में सक्रिय है, उनके बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी बुंदेली उत्सव में आए थे, जो 25वां बुंदेली उत्सव है
यहाँ पर बसारी में हर साल उनके द्वारा करवाया जाता है शंकर प्रताप जी के द्वारा, तो उनका ये कहना था कि जैसे ही आचार संहिता ये खत्म होती है वैसे ही राजकीय उत्सव का हिस्सा बनाएंगे हम। जी जी, तो आपको बता दें कि ये खबर थी छतरपुर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता मुन्ना राजा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया। बता दें कि छतरपुर के बसारी में बुंदेली उत्सव में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता शंकर प्रताप सिंह बुंदेला उर्फ मुन्ना राजा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से है, जहां ओमकारेश्वर नर्मदा नदी में पिछले दो दिनों से मगरमच्छ होने की खबर के बाद ही घाटों पर सन्नाटा पसरा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा नर्मदा के घाटों पर सावधानी से स्नान करने की लगातार अपील कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तहसीलदार और वन विभाग का दल ओमकारेश्वर के नर्मदा के किनारे गौमुख घाट पर मगरमच्छ की सर्चिंग करने के लिए पहुंचा। देर रात तक वन विभाग का अमला नर्मदा नदी में मगरमच्छ को खोजता रहा, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमकारेश्वर से ललित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, नर्मदा नदी में मगरमच्छ दिखा है, ये कब दिखा है और किसने देखा मगरमच्छ को, किसने जानकारी दी? रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी में पिछले तीन दिन पूर्व नर्मदा नदी में नौका संचालन कर रहे नाविकों द्वारा मगरमच्छ देखे जाने की सूचना प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मगरमच्छ है या मगरमच्छ का बच्चा है, अन्य प्रजाति की मछलियां है। रात्रि को वन विभाग ने रेस्क्यू जरूर किया है। जी, वन विभाग का क्या कुछ कहना है, ये सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है तो कब तक ये पूरा हो जाएगा? एडीएम शिवम प्रजापति के निर्देश में वन विभाग के डिप्टी रेंजर एवं अन्य अमला रात्रि को करीब 5 से 6 घंटे तक नर्मदा नदी में रेस्क्यू किया, पूरी तरह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनका दबी जुबान ये कहना पड़ा कि मगरमच्छ नहीं है, कोई अन्य प्रजाति की मछलियां है। इसके कारण लोगों में थोड़ा सा किसी ने अफवाह फैलाई है और दहशत का माहौल है। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और राजस्व अमला लगातार सर्चिंग के लिए नर्मदा के तटों पर लोगों को एहतियात के तौर पर स्नान नहीं करने दे रहा है और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। जी ललित, वहीं लोगों से घाट किनारे ना जाने की भी अपील की जा रही है, तो वहीं लोगों से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? लोगों द्वारा भी मगरमच्छ को ढूंढने के लिए लगातार सहयोग किया जा रहा है ताकि जो दहशत का माहौल है उससे निजात मिले, क्योंकि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आगमन हो रहा है और मगरमच्छ की घटना के बाद भी लोग नर्मदा के किनारे स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जी ललित, आपको क्या लगता है, ये अफवाह है या नहीं? अफवाह का बाजार घर में है, क्योंकि मगरमच्छ होता तो कहीं ना कहीं तो अभी दिखता, लेकिन मगरमच्छ की कोई सूचना नहीं है। अन्य प्रजाति की मछलियां जरूर है, लेकिन नर्मदा डैम के उधर मगरमच्छ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ओंकारेश्वर में पानी की संख्या कम है, चट्टान अत्यधिक है, बहाव है और नावों का संचालन लगातार होता है। लगभग 300 नावें ओंकारेश्वर में संचालित की जाती है। ऐसे शोर भरे माहौल में बड़े कोई जल जीवन या मगरमच्छ जैसे कोई यहाँ पाने की संभावना कम है। नाविकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? नाविक भी स्पष्ट रूप से तो नहीं कह रहे हैं कि मगरमच्छ है, लेकिन बड़ी मछलियां होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। मगरमच्छ को लेकर कहीं ना कहीं अफवाह बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी, और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहा है कि मगरमच्छ है, क्योंकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना की खबर नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर लोगों से अपील करके सावधान रहने की अपील जरूर की जा रही है कि किनारे में बैठकर स्नान करें,
प्रशासन भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। जी तो आपको बता दें कि ये खबर थी ओंकारेश्वर से, जहां ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में पिछले दो दिनों से मगरमच्छ होने की खबर के बाद ही घाटों पर सन्नाटा पसरा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा नर्मदा के घाटों पर सावधानी से स्नान करने की लगातार अपील कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तहसीलदार और वन विभाग का दल ओंकारेश्वर के नर्मदा के किनारे गौमुख घाट पर मगरमच्छ की सर्चिंग करने के लिए पहुंचा। देर रात तक वन विभाग का अमला नर्मदा नदी में मगरमच्छ को खोजता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे टोनी शर्मा ने कहा कि मगरमच्छ की अफवाह नजर आती है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए एशियन भारत।